चलो क्रोम ब्राउजर ओपन कर दे। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको रिमूव बीजी करके टाइप करना है, रिमूव बीजी। तो चलो रिमूव बीजी टाइप करते। तो रिमूव बीजी टाइप करने के बाद कुछ ऐसा हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो आपको अपलोड इमेज पे क्लिक करना है सिंपल सा। तो अपलोड इमेज पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको अपलोड इमेज पे क्लिक करना है और आपको ब्राउज वरना कैमरा का ऑप्शन आएगा। तो आपको ब्राउज पे क्लिक करना है। आपका मीडिया चालू होगा गैलरी, तो कौन से भी एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है। मैंने कर लिया है। तो अभी आपको थोड़ा 5 सेकंड रुकना है। फिर 5 सेकंड रुकने के बाद आप वो अपना फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। तो आप देख ही सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से बैकग्राउंड रिमूव हो गया है कट टू कट। तो चलो अब हम दूसरा पिक लेते हैं, अपलोड इमेज करते हैं। तो चलो ये पिक को ट्राई करते हैं। तो चलो 5 सेकंड रुको ज़रा अपलोडिंग होने दो। तो देखो बैकग्राउंड अच्छी तरीके से काफ़ी रिमूव हो गया, एकदम कट टू कट आगे का कैरेक्टर रह गया। सिर्फ डाउनलोड करते, डाउनलोड पर क्लिक करके तो डाउनलोड हो गया। तो अभी आप इसका ऑफिशियल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, रिमूव बीजी, जो कि नेट पे चलता है और ये साइट भी नेट पे चलता है। दोनों नेट पे चलता है, बिना नेट के कुछ नहीं होगा। तो चलो गैलरी में जाके मैं आपको बताता हूँ कि बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ फ़ोटो कैसे, मतलब बैकग्राउंड रिमूव हुआ है अच्छे से। तो देखो बालों विलों का एकदम बराबर से परफेक्टली रिमूव हो गया। पिकसेट पे आप करने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा और थोड़ा मतलब ऊपर नीचे होगा। इस पर एकदम कट टू कट हो जाता है एकदम डिटेल में। इसका भी डोरेमोन का भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से। इसका भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से बैकग्राउंड रिमूव हो गया, सिर्फ कैरेक्टर रह गए। तो चलो मैं अभी आपको पिक्सट पे लेके जाता हूँ। पिक्सट पे मैंने वाइट बैकग्राउंड सिलेक्ट किया, मैं आपको बताने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। आप अच्छी तरीके से बैकग्राउंड को आप लगा सकते हो दूसरा बैकग्राउंड रिमूव करके। तो अभी मैं 3 फोटो में सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया था। तो मैंने कर लिया है बैकग्राउंड रिमूव। आप देख सकते हो बैकग्राउंड तो हट गया पहले फोटो का, अभी सिर्फ वाइट बैकग्राउंड है। आप दूसरा भी बैकग्राउंड लगा सकते हो आपके हिसाब से, जो आपको पिक एडिट करने का। वैसे मैं तो सिर्फ ये अपना यूट्यूब का थंबनेल बनाने के लिए यूज़ करता हूँ ये रिमूव बैकग्राउंड बीजी। तो मैंने अभी बॉर्डर लगा लिया, ऐसे करके मैं यूट्यूब का थंबनेल बनाता हूँ। आप भी बना सकते हो, फिर यूट्यूब के लिए चैनल एड बैनर भी बना सकते हो। और आप लोगों को भी, लोगो रहता है किसी चीज़ का, उसका भी बैकग्राउंड निकाल के आप अच्छा सा मतलब बैकग्राउंड दे सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और ज़्यादा से कमेंट भी कर देना। तो चलो बाय, गुड बाय।